नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम पद्मवती में। सबसे पहले तो आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नव वर्ष आपके जीवन में सफलता के नए आयाम लेकर आए। तो आज हम बात करेंगे उस भवन की, लोकतंत्र के उस मंदिर की, जहां किसी भी राज्य के आवाम की तकदीर लिखी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधानसभा की। विधानसभा वो जगह हैं जहां हम और आप अपने नुमाइंदों को इस उम्मीद से भेजते हैं कि वो हमारे सपनों की सरकार हमें देंगे। जैसे आज को समझने के लिए इतिहास से गुजरना जरूरी होता है, तो हम भी विधानसभा को विस्तार दें उसके पहले इतिहास में चलते हैं। इतिहास की इबारतों से विधानसभा के अतीत को समझते हैं। एक नवंबर 1956 सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन था कि जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। वो खास दिन जब विंध्य, मध्य भारत, महाकौशल और भोपाल राज्य की सरहदें खत्म हुई और हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश का गठन हुआ। जाहिर है कि जब क्षेत्रों की सीमाएं टूटी तो इन चारों विधानसभाओं के सदस्य भी मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य बन गए। लेकिन जैसे बसने से पहले देख लिया जाता है आशियाना, मध्य प्रदेश बना नहीं था। उसके पहले ही प्रदेश के विधानसभा भवन के लिए राजधानी भोपाल में बनी एक खूबसूरत इमारत मिंटो हॉल को चुन लिया गया। ये इत्तेफाक था कि नवाबी तहजीब वाले भोपाल में सुल्तान जहां बेगम ने लॉर्ड मिंटो के लिए जो रेस्ट हाउस बनाया, वो मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा बनने जा रहा था। लॉर्ड मिंटो हॉल की तामीर की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। मिंटो हॉल की जो आधारशिला है लॉर्ड मिंटो ने रखी थी, वो इसलिए क्योंकि जब वो आए तो भोपाल में कोई बहुत अच्छा भवन नहीं था, पर जो भवन नवाब ने बनवाया तो उसमें इतना कर्ज हो गया, उसमें इतना पैसा लगा कि फिर वो जो बॉल रूम और उसका जो उपयोग होना था वैसा उसका उपयोग नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इसमें हम सरकार लगाते हैं, तो पुलिस विभाग लगने लगा। पर जब पुलिस विभाग लगने लगा तो लगा कि अरे इतनी महत्वपूर्ण बिल्डिंग, इसमें पुलिस विभाग लग रहा है। तो पता चला कि उसमें फिर एक होटल खोल दी गई और वहाँ पर नवाब की बेटी स्केटिंग करने के लिए आने लगी और स्केटिंग के लिए अलग से संगमरमर का फ्लोर लगाया गया। और उसके बाद में फिर किसी ने आपत्ति की, फिर वो विवादों का दौर चला तो उसमें कॉलेज लगने लगा, हमीदिया कॉलेज। और जब 1956 में मध्य प्रदेश बना तो हमीदिया कॉलेज वहां पर लगता था। अंग्रेज इंजीनियर एसी रबेन को दी गई थी इस भवन के निर्माण की जिम्मेदारी। उस वक्त में 3 लाख रुपए की लागत से बना था ये मिंटो हॉल और इसे पूरा होने में लगे करीब 24 साल। लेकिन जिस मकसद से बनाया गया, इस मिंटो हॉल का उस रूप में इस्तेमाल बहुत कम हो पाया। फिर 1956 में नाम भले न बदला हो लेकिन इस इमारत की तकदीर बदल गई। ये भवन मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा भवन बन गया। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स 1956 में हुआ। उस वक़्त मैं तत्कालीन मध्य प्रदेश विधानसभा जो रीवा में थी वहाँ पदस्थ था और रिकॉग्नाइजेशन के कारण भोपाल आना पड़ा। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट्स के माध्यम से राजधानी बनी भोपाल। 26 अक्टूबर 1956 को मैं भोपाल आया था। आए तो पहली विधानसभा का पहला दिन 1 नवंबर था। 1 नवंबर को नई स्टेट थी, नई स्टेट में नई गवर्नर को शपथ लेनी थी। पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो पुरानी स्टेट के गवर्नर थे, सेपियन बरार के। क्योंकि नई स्टेट थी इसलिए उनको फिर से यहाँ पर शपथ लेनी पड़ी। उसके बाद गवर्नर साहब ने, पट्टाभी सीतारमैया ने,
नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई जो वर्तमान में थे पंडित रविशंकर शुक्ला की। क्योंकि मिंटो हॉल पहले कॉलेज था, विधानसभा के लिए बना नहीं था, किसी तरीके से इसको रिनोवेशन करके थोड़ा सा एडजस्ट किया गया और बनाया गया कि काम चालू हो जाए। उस वक्त मेंबर थे 332। अब सवाल ये हुआ कि पहले विधानसभा हुई 1 नवंबर के ठीक 47 दिन बाद 17 दिसंबर को पहली विधानसभा। काका पांडे उस ज़माने में पितामह थे, उनको प्रोटम स्पीकर बनाया गया। प्रोटम स्पीकर बनाया गया तो पत्रकारों के बैठने की जगह जो थी वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, दर्शक दीर्घा के बगल में थोड़ी सी। उस ज़माने में मैं आपको निवेदन करूं कि पत्रकार भी गिने चुने थे, क्योंकि एक एजेंसी थी PTI, ये जो तमाम एजेंसी अब नहीं थी पहले, और गिने चुने पत्रकार थे, 18 पत्रकार थे केवल। हमारा सौभाग्य रहा है कि शुरू से लेकर आखिर तक मैं पत्रकारों की सेवा में रहा, पब्लिक रिलेशन जो रहा मेरे पास रहा काम। इसी इमारत में ही बैठकर राजनेताओं ने मध्य प्रदेश के विकास की इबारत लिखी। इसी इमारत में ही बैठकर हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले इस सूबे ने सियासत के दौर देखे और देखा कि पहली बार चुनकर भेजे गए प्रतिनिधियों को जनता ने अपनी आवाज बनते देखा। पंडित कुंजीलाल दुबे इस नई विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए। 56 से 67 तक यानी करीब 11 साल कुंजीलाल दुबे ने ही विधानसभा अध्यक्ष की यहां जवाबदारी संभाली। फिर उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बने काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेम्भरे, गुलशेर अहमद जैसे राजनेताओं का कार्यकाल 5 बरस या फिर उससे भी कम समय का रहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बदलते रहे, सरकारें बनती गिरती रही, लेकिन 56 से लेकर 96 तक ये मिंटो हॉल खामोशी से इस प्रदेश की संसदीय यात्रा का गवाह बना रहा। इस मिंटो हॉल ने देखा है इस प्रदेश के लोकतंत्र का वो इतिहास जो किताबों के हर्फ में है, या जो इस इतिहास का हिस्सा रहे हैं उन नेताओं के भूले बिसरे किस्सों में। प्रदेश के विधानसभा तो छोटी थी, छोटी मतलब केवल 60 लोगों की थी। इसके बाद जब हम लोग मध्य प्रदेश भवन में वहाँ मध्य प्रदेश में गए तो वहाँ वो बड़ी थी, तो उस पर कुछ दिक्कतें आती थी, और दिक्कतें जो आती थी तो उनको दूर करने के लिए ये हुआ कि एक नई बिल्डिंग बनाई जाए। नई बिल्डिंग जब बनी तो बहुत विशाल बिल्डिंग है वो, और उसमें मंत्रियों के बैठने का अलग कमरा और तरह के कई तरह के ऐसे कमरे बनाए गए जहां लोग बैठ करके आपस में बातचीत कर सकते थे और गुप्त मंत्रणा भी कर सकते थे। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्डिंग जो नई बनी है वो बहुत अच्छी और सुविधाजनक बिल्डिंग है। उस भवन की अपनी विशेषता थी और ये तो सोच विचार करके ही बनाया गया, वो सोच विचार करके थोड़ी बनाया गया था, उसको तो बनाया था कि आने वाले हैं इनसे उनके स्वागत में बनाओ, लेकिन ये तो सोच समझ के ही बनाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बताया कि नई विधानसभा कैसी है और पुराना मिंटो हॉल कैसा था। दोनों अपनी दया उच्च थे, वो कॉम्पैक्ट थी, उसमें कम खर्च ज़्यादा वाराणसी थी, वो पूरे छत्तीसगढ़ सहित तो विधानसभा मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, अब विधानसभा खर्च इतना बड़ा 1 लाख रुपये प्रति बिजली खर्चा है, तो हमने बड़ा हाथी पाल लिया। मिंटो हॉल जो कि बहुत वर्षों तक मध्य प्रदेश की विधानसभा रही वो कॉम्पैक्ट थी, और कॉम्पैक्ट होने की बहुत सी सुविधाएँ बहुत सी असुविधाएँ, किंतु जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है और संचार माध्यम बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इन सब के साथ और बड़ी जगह की आवश्यकता है।
तो कॉम्पैक्ट होने से कुछ तो सुविधाएं थी बेशक, पर अब और बड़ी जगह की आवश्यकता थी और इसलिए नई विधानसभा का निर्माण हुआ और उसमें हम लोग शिफ्ट हुए। मैं 6 साल उसमें मिंटो हॉल में पुरानी विधानसभा में बैठा हूँ। और ये बात सही है कि वो चूँकि एक पुराना स्ट्रक्चर था तो उसमें बैठने का अपना एक अलग प्रकार का अनुभव था, पर अब ठीक है, अब आधुनिकता के साथ चलना ही पड़ता है। जैसे वक्त के साथ सियासत बदली, मध्य प्रदेश की राजनीति का रंग ढंग बदला, उसी तरह विधानसभा में भी बदलाव हुए। कामकाज बढ़ रहा था तो जाहिर है ये भवन नाकाफी लगने लगा। हालांकि नए हिस्से जोड़े गए, लेकिन फिर जैसे जैसे समय गुजरता गया, बहुत शिद्दत से ये महसूस किया जाने लगा कि विधानसभा के लिए अब और बड़ी इमारत की जरूरत है, जहां सहूलियत के साथ भरपूर जगह हो। पत्रकारों का समाज को देखता ही नहीं ठीक से, मैं लिखूं क्या आपको, तो नीचे फिर गैलरी लाई गई। नीचे लाए हाउस के मेन हाउस में पीछे पार्टीशन करके और गैलरी बनाई गई, जिसमें केवल 62 पत्रकारों के बैठने की जगह थी। पत्रकारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी, नई स्टेट थी, नए नए विधायक थे। उस वक्त निर्णय लिया गया कि अगर ये विधानसभा छोटी पड़ रही है, इसके बगल में NLC बना दी जाए, जैसे खेल का मैदान है, NLC बना दी जाए मिंटो हॉल के बगल में, तो उसमें काफ़ी जगह हो जाएगी। उसके लिए सेंक्शन हुई बाकायदा, गवर्नमेंट सेंक्शन 32 लाख रुपए, तो उस ज़माने में, आज 32 करोड़ होगी वो, उस ज़माने 32 लाख रुपए सेंक्शन हुए कि ये बन जाए। लेकिन पता नहीं किस स्तर पे ये तय हुआ कि नहीं, ये मामला जमेगा नहीं, नई विधानसभा बननी चाहिए। मिंटो हॉल ठीक नहीं, जम नहीं रहा, लोगों को सूट नहीं कर रहा है, विधायकों को सुविधा नहीं मिल रही है। वो 40 साल के लगभग इस विधानसभा में गुजर गए, और फिर 14 मार्च 1981 को वो दिन भी आया कि जब भोपाल में ही नए विधानसभा भवन का शिलान्यास हुआ। पहाड़ियों और झीलों के शहर में अरेरा पहाड़ी पर बिड़ला मंदिर और राज्य मंत्रालय के बीचों बीच की जगह नए विधानसभा भवन के लिए तय हुई। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने इसका लोकार्पण किया, और लोकार्पण के 4 बरस बाद 17 सितंबर 1984 को इस भवन का निर्माण शुरू हो गया। लेकिन निर्माण यूं हुआ कि जैसे 100 दिन चले 2.5 कोस। इस विधानसभा के निर्माण कार्य में तेजी लाने एक समिति का गठन तक किया गया, जिसे 18 महीने में इस विधानसभा के निर्माण की जवाबदारी दी गई। देरी के कुछ नुकसान भी हुए। शुरुआत में जो लागत 10 करोड़ आंकी गई थी, 12 बरस की निर्माण प्रक्रिया में वो लागत 54 करोड़ तक पहुंच गई। यहां तक आपने देखा नए विधानसभा भवन के निर्माण की कहानी। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे दुनिया के सामने ये अनूठी इमारत मुकम्मल होकर दुनिया के सामने आई। लोकतंत्र का एक ऐसा अनोखा मंदिर जो अपने वास्तुशिल्प की वजह से भी पहचाना गया है। 3 अगस्त 1996, वो तारीख जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों इस नए भवन का उद्घाटन हुआ, और इस भवन का नाम रखा गया इंदिरा गांधी विधान भवन। चार्ल्स कोरिया ने इस भवन का डिजाइन तैयार किया था। कुदरती रोशनी का पूरा इंतजाम है यहां। यह विधानसभा का वो हॉल है जहां सूबे की सियासत के रंग दिखाई देते हैं। वो हॉल कि जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी आवाज बनकर पहुंचते हैं। इस हॉल का मुख्य प्रवेश द्वार सांची द्वार की तरह है। सभा के हॉल में पहले 366 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद
वर्तमान में 250 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। वर्तमान सदस्य संख्या 230 और एक नामजद सदस्य सहित कुल 231 सदस्य अब इस सदन में बैठते हैं। विधानसभा का उद्घाटन हुआ, पर उसी वर्ष एक विवाद भी जुड़ गया इस विधानसभा भवन को लेके। हुआ यूं कि बहुत सारे विधायकों की उस समय लगभग 17-18 विधायकों की असामयिक मृत्यु हो गई, तो लोगों को लगा कि इसका कहीं वास्तु गड़बड़ है। तो इसका वास्तु दोष निवारण के लिए भी उस समय श्रीनिवास तिवारी जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने कुछ हवन विधान भी कुछ करवाया था, पर ये सब अलग बातें हैं। पर इतना है कि ये जो विधान भवन है आज मध्य प्रदेश का भोपाल में, ये देश के विलक्षण विधान भवनों में से एक है, विधानसभाओं में से एक है। आधुनिक स्थापत्य कला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नमूना है और इसमें जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। और इसमें मज़ेदार बात एक ये है कि इसमें विधान परिषद के लिए भी स्थान छोड़ा गया है, तो मध्य प्रदेश के वो नेता जो भविष्य में बिना चुनाव लड़े विधायक बनना चाहते हैं उनके लिए एक स्थान है, प्रोवाइडेड कभी मध्य प्रदेश की सरकार एक विधान परिषद का निर्णय ले लेती है। ये लाइब्रेरी है यहाँ की, जिसमें तकरीबन 2,00,000 पुस्तकें और साहित्य है। लाइब्रेरी 4 हिस्सों में बटी हुई है। पहले 2 हिस्से किताबों के लिए, और दूसरी जगह बैठकर पढ़ने की भी व्यवस्था है। भारत की संविधान सभा में जब संविधान को मान्य किया गया था, उस समय के हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो संदर्भ शाखा का मुख्य कार्य ऐसी सामग्री माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराना है। अनुसंधान शाखा भी जो हमारी है वह पार्लियामेंट्री रिसर्च पब्लिकेशंस वगैरह हैं उनको प्रकाशित करती है, रिसर्च मटेरियल्स तैयार करती है, बैकग्राउंडर्स तैयार करती है। इसके अलावा इस शाखा के पास में एक हमारी विधायिनी पत्रिका है, क्वार्टरली रिसर्च जनरल है, वो पब्लिश होती है। इसके अलावा कुछ जो हमारे एडहॉक पब्लिकेशंस हैं, माननीय सदस्यों का सदस्य जीवन परिचय पुस्तक है, वो हम लोग प्रकाशित करते हैं। और जो हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो बेसिक काम है संदर्भ शाखा का, और ये अन्य राज्य विधान मंडलों में और संसद में भी इस तरह की सेवाएं हैं, और इनका मुख्य काम यही है कि ये माननीय सदस्यों को जो उनको सदन में वाद विवाद के दौरान जिस तथ्यों की, आंकड़ों की या जो सामग्री की, बैकग्राउंड नोट्स की आवश्यकता होती है, वो हम अपने जो हमारे सोर्सेज हैं उनके माध्यम से हम वो उनको उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो उसके माध्यम से अपनी बात को बहुत तार्किक ढंग से और ठोस तरीके से सदन में प्रस्तुत कर सके और अपने भाषण को बहुत सटीक रूप से प्रस्तुत कर सके। मध्य प्रदेश के विलीनीकरण के समय विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट और सीपी बरार की विधानसभाओं का जो साहित्य था उसको व्यवस्थित करके, तथा केंद्र तथा राज्य के कानून तथा नई नई किताबें जो है जो पुस्तकालय समिति एवं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति से क्रय करके जो है, तथा देश के अन्य राज्य विधान मंडलों का साहित्य एकत्रीकरण करके जो है, ये मध्य प्रदेश विधानसभा पुस्तकालय का निर्माण हुआ है। यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ से संबंधित डिबेट्स, रिपोर्ट्स इत्यादि का कलेक्शन, विभिन्न जाँच आयोग, इस तरह का कलेक्शन जो है मध्य प्रदेश विधानसभा पुस्तकालय में है। विधानसभा की कार्यवाही से आने वाली पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को आमंत्रित किया जाता है। दर्शक दीर्घा में उनके बैठने की व्यवस्था की जाती है, ताकि उनको पूरे सदन की कार्यप्रणाली समझने में आसानी हो, साथ ही साथ उनको पूरे विधानसभा परिसर का भ्रमण भी कराया जाता है। मैं विधानसभा के सेशन के बारे में बोलना चाहूँगी जो अभी चला, हम लोगों ने देखा लाइव, जिसको हमने देखा, जो श्री माननीय महोदय हैं, जो जिस जिले से विधायक हैं वो अपने अपने ज़िले की समस्याएं रखते हैं और उनका विधान, मतलब समाधान मांगते हैं।
और ये अच्छी बात है कि वो अपने अपने ज़िले के बारे में सोचते हैं, उनके निर्माण के विकास के बारे में। इतनी नॉलेज नहीं थी हम लोगों को विधानसभा के लिए, पर जब ये सही हुआ, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज टाइप से इतना पता था, और यहाँ पे आके हम लोगों ने प्रैक्टिकली लिया, देखा कि विपक्षी दल पक्ष के दलों से बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो हम डायरेक्टली नहीं पूछ सकते उनसे, वो हमारे क्वेश्चन को उनके सामने रखते हैं और उसका वो निवारण करते हैं। जो भी पॉजिटिव पॉइंट है वो भी रखा जाता है और नेगेटिव पॉइंट वो भी रखा जाता है। उसके प्रति हम लोग को ये समझ में आया कि ये बैठक किस लिए बुलाई जाती है, इसका नॉलेज हमको इससे हुआ है। इस इमारत की सबसे बड़ी खूबी इसका वास्तुशिल्प है, एक अनूठी इमारत जहां भारतीय संस्कृति और आधुनिक तकनीक का अनूठा मेल होता है। ये लोकतंत्र के यज्ञ और उसकी आहुति यानी चुनाव का परिचायक है। लोक रंगों से सजी दीवारें, हर दीवार एक ख्याति नाम चितेरे की कला से मुस्काती है। यूं इसकी पहचान सियासत से है, लेकिन अपने वास्तुशिल्प की वजह से इस इमारत को विश्व प्रसिद्ध आगा खान अवार्ड भी मिल चुका है। अब तकनीक का समय आ गया है, उस समय वो स्थितियां नहीं थीं, आज जो तकनीक बढ़ी है उस हिसाब से यहाँ तकनीकी काम बढ़ा है, पूरा कंप्यूटराइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज हमारी विधानसभा देश की पहली विधानसभा है जिसने ऑनलाइन प्रश्न भेजने का काम शुरू किया है, ऑनलाइन उत्तर आ रहे हैं, काफ़ी काम हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है, ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ी है, समय के हिसाब से बहुत बदलाव आया है। आज सूचना के अधिकार का युग है, 2005 में वो एक्ट आया तो आज सूचना के अधिकार के तहत हमको कई सूचनाएं हम लोग ऑनलाइन उनको लोगों को उपलब्ध कराते हैं, ये समय पहले नहीं था। 96 में हम लोग इस बिल्डिंग में आ गए, 96 की स्थितियां और थीं, अब स्थितियां बदली हुई हैं। मिंटो हॉल में क्या ऐसी खासियत है कि अगर अब भी उसको देखने का मन करता है कि नहीं वाकई बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी वो? निश्चित रूप से हेरिटेज बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरती से बनाई गई है, खूबसूरती से उसको डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब समय के हिसाब से स्टाफ बढ़ा, हमको स्पेस की आवश्यकता पड़ी, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा, वरना तो बिल्डिंग बहुत सुंदर थी। आज भी उसका लुक जो है अमेरिका के व्हाइट हाउस से मिलता हुआ लुक है, बहुत सुंदर बनाई गई है, उसका जो अपना हेरिटेज लुक है वो अपने आप में सब कुछ कह देता है। मिंटो हॉल में इंटरप्रिटेशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर और होटल बनाने जैसी गतिविधियां शुरू होने वाली, इसके खिलाफ परिश्रम समाज कल्याण समिति द्वारा जनहित याचिका लगाई गई, उस पर फिर स्टे लगाया। कन्वेंशन सेंटर पे स्टे नहीं था, कन्वेंशन सेंटर पे तो सुप्रीम कोर्ट सहमत है, वहाँ एक 5-स्टार होटल आ रहा था उसके ऊपर लोगों ने जनहित याचिका लगाई थी, और ये माना गया था कि इस हेरिटेज जो साइट है ये इसको एज इट इज़ मेंटेन किया जाना चाहिए, और उससे सभी लोग सहमत थे। सुप्रीम कोर्ट का भी यही डायरेक्शन अभी भी है कि आप कन्वेंशन सेंटर बनाइए, उसका हेरिटेज लुक बिगड़ी नहीं, इसको एज इट इज़ प्रोटेक्ट किया जाए, और उसके आसपास के एरिया में जो भी आपको डेवलप और करना है वो आसपास के एरिया में करिए। तो ये करीब 15 एकड़ का एरिया है, तो इसमें जो मछली घर का एरिया है वहाँ अब होटल एक्टिविटीज़ चलेंगी, ऐसा लगभग प्लान बन रहा है। वो अंतिम रूप क्या लेते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन अब निचले हिस्से में होटल्स आएंगी अगर आएगी तो, और इस हिस्से को एज इट इज़ डेवलप किया जाएगा। अब तक 14 विधानसभा अध्यक्षों ने लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादा को बनाए रखा है और आदर्श स्थापित किए हैं, लेकिन सार्थकता तभी है जब यह इमारत उस आम आदमी की आवाज बनती रहे जो हमेशा अनदेखा और अनसुना रह जाता है। सार्थकता तभी है कि जब इस मंदिर में हमेशा जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन दिखाई दे। तो आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, आप हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है न्यूज एंड व्यूज 232 जोन 1 एमपी नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।